नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABPS क्लासेस पे। दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट 2019 पोर्ट मैटर की अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देख लिया कि यूपी टेट 2019 कोर्ट में सुनवाई को लेकर 23 अक्टूबर की सबसे बड़ी खबर, तो बिल्कुल आपको कोर्ट मैटर को लेकर, आपको क्यामा नंगों को लेकर, सुनवाई को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको यूपी टेट 2019 कोर्ट मैटर या फिर यूपी टेट 2020 को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट आए अपने चैनल से रेगुलर मिलती रहे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपका समय नहीं वेस्ट करते, सीधे टॉपिक चलते हैं, पूरी अपडेट आपको बता देते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो यूपी टेट 2019 का कोर्ट मैटर था वो लाइकली डेट हमें मिली थी वो 23 अक्टूबर को मिली थी, लेकिन आपको वीडियो के माध्यम से सत्येंद्र यादव जी ने आपको एक मैसेज दिया था कि 23 अक्टूबर के दिन, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का आदेश था कि उस दिन 23 अक्टूबर के दिन पूरी कोर्ट में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा और सभी कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा 23 अक्टूबर की डेट में। तो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सत्येंद्र यादव जी ने आपको मैसेज दिया था। उसके बाद दोस्तों आपके मन में डाउट्स होगा अगर फिर कोर्ट की सुनवाई किस तारीख को कराई जाएगी, किस तारीख को हमारी कोर्ट की सुनवाई होने वाली है। तो चलिए मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ कि आखिर आपकी सुनवाई किस तारीख को होने वाली है। चलिए मैं आपको पूरी जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरी अपडेट आपको हम दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट हम ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि आखिर जो आपकी यूपी टेट कॉमन एंकर की सुनवाई है वो संभावित किस तारीख को मानी जा रही है, किस तारीख से आपके स्टार्ट हो सकती है, केस की डेट में आपको मिल सकती है। जो आपको 30 अक्टूबर को नहीं होगी तो नई डेट आपको कब तक मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कॉज लिस्ट इलाहाबाद, उसके बाद एडिशनल कॉज लिस्ट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको गो करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिला है एडिशनल कॉज लिस्ट। तो यहाँ पर आप देखिएगा लिस्टिंग डेट आपको बताया जा रहा है कि 2 नवंबर, यानी कि 2 नवंबर में आपकी जो एडिशनल कॉज लिस्ट में है यहाँ पर 2 नवंबर से आपके केस की सुनवाई जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिएगा जो आपकी लास्ट सुनवाई है वो 22 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है, एडिशनल कॉज लिस्ट में। यहाँ पर जो आपकी लास्ट सुनवाई हुई थी वो 22 अक्टूबर को हुई थी। उसके बाद आपकी जो आप सुनवाई है अक्टूबर माह में नहीं कराई जाएगी, इसके मतलब आप समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर माह में आपकी सुनवाई नहीं होने वाली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपकी सुनवाई स्टार्ट होगी वो 2 नवंबर के बाद ही स्टार्ट होगी, यानी कि 2 नवंबर के बाद ही आपको केस की नई डेट मिलेगी या फिर आपको डेट मिलेगी। तो जैसा भी होगा आपको वीडियो के माध्यम से या फिर सत्येंद्र यादव की तरफ से या हमारे चैनल से अपडेट मिल जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट पसंद आई है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से यूपी टेट कॉमन को लेकर जो भी अपडेट आएगी अपने चैनल से मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत